सबूत दे दें कि हाँ ये 9 मई इमरान खान ने प्लान किया। खान कहते मैं सब की माफ़ी मांग लूँगा, जिसने किया था हमारी तरफ से 9 मई तो मैं उनको पार्टी से निकाल दूँ पर मैं माफ़ी मांग लूँगा। सबूत तो देना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई ऊपर से बाइडन ऑर्डर करेगा कि 9 मई करो, 9 मई करवा दिया, अब खान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। गेम कुछ और है, ये वो नहीं है जो नज़र आता है हमको। इमरान खान ने बोला कि माफ़ी वो मांगेगा जिसने 9 मई करवाया। क्योंकि जी मुझ पे आई थिंक अब तक केस नया कोई हुआ नहीं है ना, बाकी पे 5-5, 6-6 और ATC में हो चुके हैं। मुझ पे ये है कि अब तक खैर अब देखते कल परसों फिर एक डाल सकते, क्या पता चलता है। पिछले हफ्ते मैंने आई थिंक आपकी टीम से ये मैंने बात की थी, मैंने कहा एक चुटकुला था कि कोई कह रहा था कि खान साहब के पास कोई जेल में गए और कहा कि आप माफ़ी मांगे 9 मई की, तो खान साहब ने कहा कि ये कुरान सामने पड़ा है, आप पहले इस पर कसम खाएं कि मैंने 9 मई किया है तो मैं उसकी माफ़ी मांग लूँगा। तो वो जो भी बंदा या बंदी थी वो कसम खाने से पीछे हट गए। ये तो चुटकुला था, कोई सबूत तो उसका है नहीं। एग्जैक्टली यही बात कल परसों हुई और कल अलीमा खान साहिबा ने बताई है सबको कि खान कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, कोई इंटेलिजेंस कमीशन बना ले, कोई एजेंसियों का कमीशन, कुछ तो करें ना, सबूत दे दें कि हाँ ये 9 मई इमरान खान ने प्लान किया, फिर जेल से उसको एक्सिक्यूट किया, फिर हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। खान कहते मैं सब की माफ़ी मांग लूँगा, जिसने किया था हमारी तरफ से 9 मई तो मैं उनको पार्टी से निकाल दूँ पर मैं माफ़ी मांग लूँगा। सबूत तो देना, 1.5 साल हो गए वो जो अनटूट इनके पास सबूत हो नाकाबिले तलाफ़ी वो बातें किधर गई सारे बच्चे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई ऊपर से बाइडन ऑर्डर करेगा कि 9 मई करो, 9 मई करवा दिया, अब खान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। देखें ये जो लेबनान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, लोग तंग आ गए हैं गुलामी से। ये याद रखिए, अब सड़कों पे जो निकलेंगे ना वो PTI नहीं होगी, वो पाकिस्तानी आवाम होगी जो इस वक्त ना बिजली का बिल दे सकती है, बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सड़कों से ऊपर से ब्रिज से जंप कर रहे हैं। इस वक्त इसको हल्का लोग ले रहे हैं, इस वक्त क़यामत की घड़ियाँ पाकिस्तान में। अभी सुबह डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से बात हुई, उनके वर्कर्स बदीन से उठा के लेके जा रहे हैं, कभी नौशेरों, कभी कराची, कभी लाड़काना, और उन पे FIR हो रही है कि जी आप GDA को छोड़ो। क्यों? जो GDA ने ये गलती की कि उन्होंने कहा कि वो PTI के साथ अलायंस करना चाहते हैं, जिस तरह मंगल साहब ने किया, चकजई साहब ने किया। तो वो मेरी मतलब बहुत मैं इज़्ज़त करती डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की, ठीक है अलग पार्टी से हैं लेकिन एक ज़बरदस्त खातून है। तो सुबह कह रही थी कि जो जो जुल्म शुरू हो चुका है बदीन में, कहती सिंध की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये गेम कुछ और है, ये वो नहीं है जो नज़र आता है हमको। अच्छा एक बात बताऊँ, एक कौम में जब झूठ इस हद तक आ जाए कि मीडिया भी झूठ बोल रहा है, आप तो देखिए इंडिपेंडेंट मीडिया ना, आपने जो रिपोर्ट करना है करेंगे। जब एक पैसों वाला मीडिया जो 50-50 लाख कमाता है एक शो के रात को, वो झूठ बोलना शुरू कर दे, आप समझ जाओ कि जो स्टेट का 4th पिलर था जर्नलिज्म, एंकर्स जो हम पे नज़र रखते थे, अब उन पे कोई नज़र रख रहा है, उनके मुँह से वही निकलता है जो कोई निकलवाना चाह रहा है। मेरे लिए तो बहुत ही दुख का और शर्म का मकाम है। इमरान खान ने बोला कि माफ़ी वो मांगेगा जिसने 9 मई करवाया, अगर मेरा कोई था तो मैं माफ़ी मांगूंगा लेकिन सबूत दें। हवा में तो बात नहीं हो सकती कि तुमने किया तुम जेल में जाओ। बच्चे सुप्रीम कोर्ट पे नवाज़ शरीफ और उसके गुंडों ने अटैक किया था, आज तक कुछ कोई कमीशन उस पर हुआ, उसको तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इनाम किया। याद रखो इस मुल्क में यही होता है कि जो अरशद शरीफ को कत्ल करता है उसको ये अहदा दे दिया, केक काट रहे होते हैं। जिसने उसको अजीज़ मेमन को कत्ल किया बोरियों में डाला, जिसने हमारा वो क्या था दूसरा बच्चा, जिस जर्नलिस्ट पर हाथ उठा रहे मार रहे, उन लोगों को तोहफे बाकायदा मिल रहे हैं, प्रमोशंस मिल रही हैं। Do you understand the magnitude of what is happening? ये पाकिस्तान का हर बाजू तोड़ते हैं। देखो खान साहब ने, मैंने कितनी दफ़ा कहा है ना, खान साहब की बहन है ना, मैं या PTI को कोई मेंबर, हम सब ने कब्रों में जाना है, वतन ने तो ज़िंदा रहना है ना। तो अगर आप जर्नलिस्ट को, पुलिस वालों को, फौजियों को, नौजवानों को, शहदा को उड़ा के रख दोगे तो रहा क्या है इस मुल्क में? किसके लिए मुल्क खाली करा? वैसे देखो तलबा की बात नहीं है, नौजवानों की बात है। पाकिस्तान में इस वक्त आपकी 70% आबादी 30 साल की उम्र से कम है। वो तंग आ गए हैं, वो मरियम और बिलावल और उन बाकी चोरों के जूतों के और कोटों के बिल नहीं देना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, अपनी तालीम, अपनी नौकरी। दूसरी बात, ये जब निकलेगा ना मजमा, जैसे मैंने बताया, ये पूरा पाकिस्तान निकलेगा। बनू में तो PTM निकली थी, पश्तीन के लोग थे, मेरे लोग तो नहीं थे PTI के, लेकिन पाकिस्तानी है, अवाम है। जो हो रहा है करक उधर कुरमा में वो भी पाकिस्तानी, उनका तो PTI से कोई लेना देना नहीं है। शिया सुनी की जंग छिड़वा दी, मेरे हल्के में कोयले के पीछे पुलिस को मरवा दिया। याद रखें लोग अब निकलेंगे क्योंकि वो तंग आ गए हैं इस फरसूदा सिस्टम से। अल्लाह करे साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं उनमें अकल हो और वतन की फ़िक्र है, अपने ख़ानदानों की फ़िक्र मत करें, वरना जो होगा। और याद रखिए जो थ्रेट दिया ना लोगों ने, ये उन्होंने हुकूमत को नहीं दी, हमको दी है। मेरे हल्के वाले मुझे कहते हैं ये जो हमने किया 5 अगस्त को सवाबी में ये जलसा, ये हल्के की डिमांड थी कि हमने निकलना है खान के लिए, लीडर निकलता ही नहीं निकलता। एग्जैक्टली यही चीज़ हुई बांग्लादेश में, एग्जैक्टली श्रीलंका में हुआ, लेबनान में हो रहा है और कितने ममालिक में हो रहा है। अब लोग लीडर्स को नहीं मानते, लोग एक्शन को मानते। जो खान के हक में निकलेगा वो जिस पार्टी से होगा, आप देख ही रहे कि वो पार्टीज़ जो पीटीआई को बुरा भला कहती थी, ऑल ऑफ अ सडन हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, सब हमारे साथ बैठना चाहते। हम तो जेलों में बैठे हैं, हमारा लीडर सजा बेगुनाह बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सी सजा काट रहा है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू पीटीआई, हर बंदा पीटीआई का दोस्त बनना चाह रहा है कि उनको डर लग रहा है कि जब ये लोग निकलेंगे तो पिटाई सबकी होनी है। इमरान खान किसी से माफ़ी नहीं मांगेगा, जिसने 9 मई की है वो माफ़ी मांगेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियोस हैं, वो कह रही हैं कि कोर कमांडर हाउस लाहौर की तरफ मत जाए, सब ने आपने देख लिए होंगे। ठीक, एक खातून है मुंजा हसन, जिस वक्त नेशनल असम्बली में बैठी हुई जहांगीर तरीन की पार्टी आईपीपी में, उसकी भी वीडियो से कह रही कि जाओ कोर कमांडर हाउस तोड़ फोड़ करो, लाहौर बर्बाद कर दो। वो असम्बली में बैठी है और जो कह रही कि मत करो तोड़ फोड़, वो जेल में बैठी है। इस बात में कोई अकल है? दूसरी बात, आपने बड़ी ज़बरदस्त अभी सवाल पूछा था, एक तो बांग्लादेश का, एक उससे पहले क्या सवाल पूछा था आपने? फुटेज। मुझे बताएं आप, मोरल सारे मुसलमान होंगे, क्रिश्चियन होंगे, पाकिस्तानी तो है ना सारे, क्या इस्लाम में मुजस्मों की इजाज़त है बनाने की? जिस काबे के अंदर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम वसल्लम ने सारे मुजस्मे तोड़े थे, पाकिस्तान में शुहदाए पाकिस्तान हो या कायद आज़म हो या अलामा इकबाल हो, क्या उसके मुजस्मे की इजाज़त है? नहीं है ना। तो फिर जब वो मुजस्मे तोड़े जा रहे हैं, गम किस चीज़ का है? बनाए किसने पहले तो उससे सवाल पूछे। दूसरा, एक ड्रामा था, मेरी बहन है, मुझे बहुत पसंद है, मोना आलम एक जर्नलिस्ट है, मेरी उनसे ट्विटर पे बाकायदा लड़ाई हुई। उन्होंने एक झूठी तस्वीर लगाई, उसमें क्या था, कोई बंदा है पीटीआई की टोपी पहनी हुई है, मफलर पहना हुआ है और मुजस्मा एक किसी फौजी का पकड़ा हुआ है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पीछे 3 रेंजर्स खड़े हैं, साइड साइड पे 4 पुलिस वाले और 3 इधर फौजी, और सब उसके साथ यूँ करके तस्वीरें ले रहे हैं। मैं आपसे शेयर कर लूँगी, मुझे कोई टेक्स्ट करे आज, मैं आपसे बाकायदा वो तस्वीर शेयर करती हूँ कि कोई पीटीआई का बंदा फौजी तनसीब के अंदर घुस के कोई तोड़ रहा होगा और लोग उसके साथ अपनी सेल्फियाँ ले रहे होंगे। मानने की बात है, फुटेज तो हमसे मांगे, हम आपको देंगे। बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ, खान साहब अमन चाहता है, वो 6 महीने से कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो, फतेह मक्का हो। उसका मतलब क्या है कि जिसने गलत काम किया वो बंदा माफ़ी मांगे और मुल्क को जोड़ें। मत बाइडन को खुश करें कि KPK हमने दे देना अफगानिस्तान को, बलूचिस्तान इसको दे देना, सिंध उसको, बलूचिस्तान ये हमारा वतन है, हमने एक इंच ज़मीन किसी को नहीं देनी। जिन लोगों ने बांग्लादेश हमसे अलग किया, ईस्ट पाकिस्तान, उन लोगों ने उस दिन पनाह दी हसीना को, ये शेख हसीना को। याद रखिए, आपका दुश्मन हमेशा हिंदुस्तान रहेगा, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता वो आपकी टांगें तोड़ेगा। इधर अफगानिस्तान है, ईरान है, 2 मुसलमान ममालिक हैं, उनको हमारा बाइडन दुश्मन बनाना चाह रहा है और हम बेवकूफ़ बग़ैर सोचे समझे चल जाते हैं उन रस्तों पर। देखें, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र करनी है। डोनाल्ड ट्रंप की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो कहता है अमेरिका फ़र्स्ट, मैं उससे भी थोड़ा आगे चलेगी कि अमेरिका, पाकिस्तान फ़र्स्ट, पाकिस्तान ऑलवेज़, पाकिस्तान फॉर एवर। ये लोग कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए, वतन के लिए नहीं सोच रहे। तीसरी बात, फुटेज निकाले 100 बिस्मिल्ला, अगर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हुई ना तो मैं भी सज़ा के लिए तैयार हूँ। अच्छा।